आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आजादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, क्या कहना है आपका इसमें? ये देखिए, ये आप बजा लीजिए एक बात बताइए मुझे जी, कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल? सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी, वो कितने साल से है? कितने साल से है? 4-5 हज़ार साल से? तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है, जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा, तो अपने जातीय पहचान के आधार पर लोग जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना? हाँ, चलिए हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं, और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि हम जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन मैं किसी जाति में पैदा हो गया, ये मेरी गलती तो नहीं है ना? आप में से यहाँ बैठे जाति के नाम पर कोई राजनीति कर रहा है और आप उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, तब क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जाति के आधार पर राजनीति गलत है, इसको मैं थोड़ी सही कह रहा हूँ, या जातिवाद सही है, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है, तो ये जाति के आधार पर हो रहा है ना? आपके ही चैनल पे, आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, छोड़िए मत, जातिवाद को खत्म कीजिए, छोड़िए मत जातिवाद को। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं वक्कलिगा, भूमियार, रेड्डियार, ये क्यों आ रहा है? वक्कलिगा क्यों आ रहा है? ये क्यों वक्कलिगा का कांग्रेस सपोर्ट कर? कन्हैया जी आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है। आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए, मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूंगा। ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सवाल होंगे, राहुल गांधी तो सब सरकार को बंद करते हैं। सर एक सेकंड, सर मेरा कन्हैया जी उसका भी जवाब दूंगा। सुनिए कन्हैया जी, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी जी, देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ है, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ आपकी इस बात की, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहाँ आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते? अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं, आप मुझे मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति जाति
कि राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर वन। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ, हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल, और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बताइए ताली। ठीक है, एक मिनट, अशोक जी एक सेकंड। आपको क्या सवाल पूछा था? आप सर, आप एडिटर हैं ना? नहीं नहीं, आपको स्पोक्सपर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? स्पोक्सपर्सन, अरे सवाल नहीं पूछता अशोक जी, आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति पहले? एक मिनट, जो जातिवादी पार्टी है उनके साथ सत्ता का बखान करने के लिए अशोक जी एक सेकंड, तब जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? अरे नहीं अशोक जी, बोल दिया स्पोक्स पर्सन, फिर गुस्सा हो रहा है। आपने इनको गलत है, सर सर सर, हम इज्जत करिए, शालीनता में सर 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 नहीं जाना चाहिए आपको, इज्जत सर सर नहीं होती है।